नमस्ते। आज की रेसिपी में हम भुट्टे की कचौरी बना रहे हैं, तो भुट्टे की कचौरी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी ये हम देखेंगे। अभी भुट्टों का सीजन भी है और इसमें हम फ्रेश भुट्टे लेंगे। 4 भुट्टे लिए हैं हमने यहाँ, और मैदा ली है 2 कटोरी। थोड़ा तेल लेना है ये अलग से, ये मैदा के लिए हमें लगेगा। यहाँ हमने बेसन लिया है और हींग है, थोड़ा पाव चम्मच से भी कम, बिल्कुल चुटकी भर हींग लेना है। छोटा 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच राई, मिर्च 3 चम्मच, हल्दी 1 से 1.5 चम्मच, नमक छोटे 3 चम्मच, तेल पाव कटोरी, और तलने के लिए तेल अलग लगेगा हमें। सबसे पहले हम कचौरी के लिए मैदा लगाएंगे, तो ये हमने 2 कटोरी जो मैदा लिया है ये हम ले रहे हैं एक थाली में। ये पाव चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। हमें अब इसमें थोड़ा सा मोयन के लिए तेल डालना है, तो हम इसमें थोड़ा सा बीच में ऐसे स्पेस कर लेंगे। अब हम इसमें ये स्पून के हिसाब से 4 स्पून तेल डालेंगे। अब हम ये अच्छे से तेल वगैरह मिक्स कर लेंगे इसमें, और इसे सादे पानी की सहायता से उसन लेंगे। इस तरह हमने ये मैदा लगा लिया है। ये मैदा हमें ज़्यादा कड़क नहीं रखना है, थोड़ा पूड़ी का हम जैसे लगाते हैं, यानी रोटी का जो आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा बिल्कुल। अब हम इसे आधा घंटा ढक के रखेंगे। मैदा लगाने के बाद में अब हमने ये जो भुट्टे लिए हैं इसे किसनी के सहायता से किसेंगे हम। इस तरह से हम बारीक किसनी से इसे किस लेंगे। इस तरह हमने ये भुट्टों को किस लिया है। अब हम इसे छोकन लगाएंगे। अब हम पैन लेंगे, अच्छे से गरम कर लिया हमने इसे, मोटे तले की लेना है हमें, थोड़ी मोटी होना चाहिए पैन। अब जो हमने तेल लिया था ये हम गरम कर लेंगे अच्छे से। तेल अच्छा गरम होने पे हम इसमें राई और ये जो सोप है ये डालेंगे, और फिर उसके बाद में हींग। राई अच्छे से होने के बाद में हम इसमें जो ये भुट्टे का पीस है ये डालेंगे, और हमें इसे थोड़ी देर सेकना पड़ेगा, लगभग 5 मिनट। इसे ऐसे ही पलटाते रहेंगे लगातार 5 मिनट। हमने इसे मीडियम आंच पे सेक लिया है। अब हमने जो बेसन लिया था ये हमने 3 चम्मच लिया है, 3 चम्मच हमें इसमें डालना है ये बेसन, और इसे हम अच्छे से मिक्स करके फिर से 5 से 7 मिनट और सेकेंगे। 5-7 मिनट हमने इसे सेक लिया है, तो ये मिश्रण थोड़ा सा खुला खुला सा हो गया है और तेल भी छूटने लग गया है थोड़ा। अब हम इसमें मिर्ची, हल्दी और ये नमक ये मिला के मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये मिर्ची हल्दी सब मसाले डाल के हमने इसे अच्छे से और सेक लिया है। अब हम इसमें हल्का सा पानी का छींटा देंगे जैसे बिल्कुल थोड़ा सा, और अच्छे से मिक्स करके इसे बफने के लिए रख देंगे। कम आंच पे हमने इसे बफने रखा है। अब ये 5 मिनट बाद हमें एक बार इसे हला लेंगे। हमने हलाने के बाद इसे और 5 मिनट बफने देना है, यानी लगभग 10 मिनट हमें इसे बफाना है। अब पूरी तरह से ये बफने के बाद में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ तेल भी अच्छे से छूट गया है और ये फरका फरका हो गया है थोड़ा। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, यानी 10 से 15 मिनट एक थाली में इसे फैला देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें ये गर्म रहते कचौरी नहीं भरना है। जब ये पूरा ठंडा होगा तभी हम कचौरी भरेंगे इसकी। अब हम ये मैदा को देखेंगे। ये मैदा को हमने आधा घंटा रख लिया है। अब हम इसे अच्छे से मसल लेंगे, मसल के बिल्कुल चिकना हो जाएगा ये मसलने पर। हमने यहाँ ये सही इतने बड़े हमें लोए बनाना है ये साइज़ के हमने लिए, इसे अच्छे से इस तरह मसल के हम लोए बना के रख लेंगे इसके। ये ठंडा होने पे थोड़ा सा फरका सा हो गया है। अब हम इसके भी छोटे गोले बना लेंगे जो कि हमें मैदा में भरना है, ये साइज़ के हम गोले बना लेंगे। अब हम पहले हमने इसके गोले बना लिए हैं, और ये मैदा को
जैसे हमने जो गोला बनाया उसे से थोड़ा सा हाथ के सहायता से थोड़ा सा चपटा करेंगे और एक गोला इसमें लेके इस तरह से इसे पैक करते जाएंगे। अब हम इसे इस तरह से पूरा पैक कर लेंगे और ये जो पोर्शन है ये बराबर शेप देके हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। और इसे आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ हमने कट करने के बाद पूरा पैक कर लिया है ताकि खुले नहीं, पूरा अच्छे से पैक करके अब हम इसे हाथों की सहायता से, आप चाहे तो इसे हल्के से बेलन से बेल सकते हैं, हल्का बिल्कुल, और ये ऐसे अगर आपको जमे तो आप इस टाइप से इसे हाथों की सहायता से थोड़ा पतला करें। यहाँ हमने हथेली की सहायता से देखेंगे आप इस तरह से कर लिया है इसे। अब हमने एक आपको बेल के बता रहे हैं, जैसे यहाँ हमने लोहा भर लिया है इसमें, अब आप इसे बिल्कुल ऐसे हल्के हाथों से बेल सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर से नहीं बेलना है आपको, बस इस तरह से। अगर आपसे हाथ से नहीं जम रहे हैं तो आप इस तरह से बेल सकते हैं, ज़्यादा पतला नहीं करें। अब हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे, हमने कचौरी बना ली है, अब हम तेल अच्छे से गरम होने देंगे। तेल देखने के लिए हमने थोड़ा सा आटा लिया है, जो मैदा वो डाल के देखेंगे, मैदा ऊपर आ गया है, अपना तेल अच्छे से गरम हो गया, लेकिन कचौरी डालते समय तेल गरम हो गया हो तो गैस बंद करके या एकदम कम आंच पे करके फिर ही कचौरी डालें। यहाँ हम ये कचौरी डालेंगे, इस तरह ये फूल लेगी तो ऊपर आते जाएगी, इस तरह से ये एक साइड से हो गई तो हमने इसे पलटा ली है, अब इसे भी हम पलटा लेंगे और हमें एकदम कम आंच पे ही होने देना है इसे। हमने इसे पलटाते समय छोटे चम्मच का ही यूज़ किया, जब हमें इसे उतारना है तब हम झारे का यूज़ करेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ अच्छे से फूल गई है ये, और कलर भी अच्छा डार्क ब्राउन हो गया है। अब हम ये कचौरियाँ उतार लेंगे। एक बार की कचौरी उतारने के बाद में हम तुरंत दूसरी डालने के पहले गैस बंद करेंगे, उसके बाद दूसरी बार की कचौरी उसमें डालेंगे, क्योंकि तेल हमारा अच्छे से गर्म ही है। जब हमने दूसरी बार की कचौरी डाल दी, उसके बाद में डालना होने के बाद हमने गैस कम पे चालू किया है फिर से, और कम पे ही कचौरी को होने देना है। ये बन गई हमारी भुट्टे की कचौरी, आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये एकदम अच्छे तरीके से फूल गई है और बिल्कुल ऑयल लेस है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, एकदम बढ़िया कचौरी बनी है यहाँ हमारी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हमारी नई वीडियो के साथ।